मोदी सर। क्यों मोदी सर? अभी तक तो सबके साइड से देखा जाए तो हम सब मोदी जी के साइड है। मिनिस्टर लाइक हम चाहते हैं कि उनके जैसा प्रधानमंत्री हो इंडिया के लिए, यंग जनरेशन के लिए। क्या नाम है आपका? आयुषा। आप यहाँ सराफा मार्केट में मौजूद हैं, इस वक्त गोले की दुकान पे हैं। आपके हिसाब से देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? बहुत सारे काम करे हैं उन्होंने। कौन से काम किए हैं जो आपको अच्छे लगते हैं? उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। लोग बोलते हैं कि उन्होंने बहुत सारी ड्रॉबैक्स भी हैं, बट हम वन ईयर में किसी को भी जज नहीं कर सकते। वन ईयर में जज नहीं कर सकते? वन ईयर में थोड़ी ना जज किए हम, तो पाँच साल हो गए। ओह सॉरी, फाइव इयर्स में जज नहीं कर सकते। वी नीड मोर टाइम फॉर दैट। वी नीड मोर टाइम फॉर जजमेंट। या अच्छा, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते हैं तो आप लोग उन्हें पसंद कीजिएगा? ऑफ कोर्स, अगर वो काम करेंगे तो, बिकॉज़ वी डोंट नो कि वो कैसा काम करते हैं। अगर वो करेंगे तो बिल्कुल। आपका क्या नाम है? रिया, रिया शिवत्रा। आप क्या सोच के वोट कीजिएगा? मैंने ऐसा कुछ बहुत अलग से नहीं सोचा है, जो एक नॉर्मल व्यक्ति सोचता है मैं उसी के ऊपर बात करूंगी। अगर हम एक जगह रहते हैं, हम पहले उसका बेटरमेंट सोचेंगे। आज हमारे यहाँ पे पॉवर्टी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एंड आई थिंक सो कि अगर पहले उस चीज़ का सोल्यूशन निकल जाएगा तो बाकी चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मतलब गरीबी से अगर हम हट जाएँ तो सब चीज़ का समाधान। हाँ, वो जो प्रॉब्लम है वो आज भी हमें नीचे करता है, और हेरिटेज जो है वो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मैं उन दो चीज़ के ऊपर फोकस करवाना चाहूँगी। एंड जो भी उस चीज़ पर फोकस करेगा वो ऑब्वियसली हम वोट उसी के साइड देते हैं। तो आपके हिसाब से प्रधानमंत्री कौन होना? एक्चुअली अभी तक तो सबके साइड से देखा जाए तो हम सब मोदी जी के साइड है। एंड जस्ट बिकॉज नॉट कि वो एक अच्छे इंसान है, उन्होंने हर चीज़ में, मतलब जो हमारी आउट ऑफ इंडिया है वहाँ पे भी जो भी रूल्स रेगुलेशन को हमारे लिए मतलब परफेक्ट किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा, एक तरफ राहुल गांधी का भी चेहरा है तो कहीं ना कहीं वो भी प्रधानमंत्री। हाँ एग्जैक्टली, वो हो सकते हैं। एंड अभी हम उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, बिकॉज जब हम लोग को चीज़ें समझ में आई तब, अब हम लोग को चीज़ें समझ में आ रही है। एंड अभी तक हमने उसका उनका ऐसा कोई काम नहीं देखा जिनसे हम उसे जज कर सकें। तो आज इंदौर में प्रधानमंत्री आए थे, आप गई थी? नो, वी वर बिजी दैट टाइम। तो कल प्रियंका गांधी भी आ रही हैं, तो क्या लगता है कि अगर प्रियंका गांधी आएंगी तो मोदी के जीत पर प्रभाव पड़ेगा? एक्चुअली बोलने से चीज़ें नहीं बदलती, इंसान काम देखकर वोट करता है। तो आई थिंक सो आने से और बोलने से कुछ नहीं होगा, जिसने काम किया है वोट उसी को जाएगा। इंदौर की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बीइंग अ स्टूडेंट, अभी मैं सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस कर सकती हूँ कि जो भी चीज़ बेटरमेंट के लिए हो रही है। प्रॉब्लमेटिक तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, बट हाँ बेटरमेंट बहुत चीज़ें दिखी। अच्छा, सबसे बड़ी खासियत क्या है इंदौर? एवरीथिंग, मतलब खासियत अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे हेरिटेज को लेकर भी काम अच्छा होता है। यहाँ पे लोग पुरानी चीज़ों से लेकर नई चीज़ों में सब पे फोकस करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सराफा मार्केट कैसा? ऑब्वियसली यहाँ अभी आप भीड़ देख के समझ ही रहे होंगे कि चीज़ कैसी है, तो यू कैन मैनेज। क्या नाम है आपका? वरुण। वरुण जी, वरुण जी हमारे साथ हैं। क्या है चुनावी मुद्दे? क्या हैं चुनावी मुद्दे? क्या है, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं और लहर है उनकी एक बार फिर से, एंड आई एम श्योर ही विल कम अगेन। डिजिटल इंडिया उन्होंने बढ़ा दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया इंडिया को एक बार फिर से। सो हम चाह रहे हैं कि वो वापस आए और सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज आईपीएल जीती है मुंबई इंडियंस और मोदी जी का भी सेलिब्रेशन हो रहा है। मोदी जी भी आपके शहर में? हाँ, आज मोदी जी भी शहर में थे और उनकी लहर थी, हमने खूब सेलिब्रेट किया और सेलिब्रेशन का माहौल है। पटाखे फोड़ रहे हैं हम लोग अभी से, बिकॉज वी वॉन्ट अ प्राइम मिनिस्टर लाइक हम चाहते हैं कि उनके जैसा प्रधानमंत्री हो इंडिया के लिए, यंग जनरेशन के लिए, और उन्होंने बहुत कुछ किया अच्छा, एंड वी वॉन्ट बैक एज पीएम अगेन। अगर राहुल गांधी पीएम बनते हैं तो? बहुत आपने डिफ़िकल्ट सवाल पूछा है, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो बहुत विवाद पैदा होंगे अगर राहुल गांधी दोबारा पीएम बनेंगे तो। तो आप नहीं, अगर वो बनेंगे मतलब तो ऐसा सोचेंगे, सॉरी, अगर ऐसा हम सोचेंगे भी कि वो पीएम बनेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग ही खुद नहीं सपोर्ट कर रहे हैं कि वो पीएम बने। बहुत सारा ऑपोजिशन है कांग्रेस के अंदर ही कि वो पीएम बने, और कांग्रेस के पास बहुत सारे एलिजिबल ऐसे नेता हैं जो पीएम बन सकते हैं। तो क्यों अननेसेसरली हम एक पार्टी को एक फैमिली ड्रिवन ड्रामा बना रहे हैं अननेसेसरली? सो आप बताइए, आपको क्या लगता है राहुल जी बनने चाहिए? मुझे तो नहीं लगता। पता है मैं कैसे बताऊं? अच्छा, एक सवाल और है कि आप इंदौर में रहते हैं, इंदौर की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इंदौर की समस्या तो देखिए, आपने देखी इंदौर इमर्ज करा है बहुत अच्छा अंडर दी एबल गाइडेंस ऑफ दी बीजेपी गवर्नमेंट। मैं कहूँगा कि इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी हुआ है, थ्राइस आया है, एक बार नहीं हैट्रिक किया है, तो वो बहुत एक इट सेल्फ उसमें अच्छी सड़कों पे, वो तो सड़कों पे दिखता है। लेकिन हम इससे थोड़ा बाहर निकलते हैं और आपसे बात करते हैं कि
वो तो चलिए ठीक है, लेकिन आठ सालों में मैंने देखा, मैं आठ साल से इंदौर में हूँ, तो जो मैंने देखा इंदौर में ट्रैफिक बहुत रैपिडली इंक्रीज करा है, पोल्यूशन इंक्रीज करा है, उस पर थोड़ा सा हमको कंट्रोल करना चाहिए, थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए पोल्यूशन और ट्रैफिक पे, वो बहुत ज़रूरी है। एंड बाहर से लोग ज़्यादा आ रहे हैं इंदौर में, इस्टेब्लिश हो रहे हैं, फैक्ट्रीज नहीं बन रही हैं, तो थोड़ा सा हमको कमर्शलाइजेशन अगर हम कम करेंगे तो एक सिटी का बेटर डेवलपमेंट होगा। बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन हो रहा है अब शहर का। तो इस बार अगर इंदौर की जनता वोट करती है तो क्या सोच के वोट करेगी? अच्छा हो रहा है और हम चाहते हैं कि अच्छा होता रहे, यही सोच के हम वोट कर रहे हैं, और फॉर अ बेटर फ्यूचर, फॉर अ बेटर इंडिया। अच्छा, यहाँ से सुमित्रा महाजन लगातार चुनाव जीतती रही हैं, लेकिन इस बार प्रत्याशी बदल दिए गए हैं, जी, तो इसका भी प्रभाव पड़ेगा? देखिए, प्रत्याशी बदले नहीं गए हैं, वो चेहरे हैं, वो सब सिपाही हैं, आज ये मेजर है तो कल कोई और है, तो वो वाली चीज़ है। और हम एक्चुअली चाहते हैं कि सबका डेवलपमेंट हो, पार्टी में जितने भी लोग हैं सब सीनियर लीडर्स हैं, ऐसा कोई भी नहीं है बीजेपी में जो मुझको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो आप एक तरफ से देखो कि आप कह रहे हो कि आप चेहरे बदल रहे हैं, अगर आज टाई नहीं है तो किसी और को अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो बेटर परफॉर्म करके दिखाए और लोगों की सेवा करे, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि टाई नहीं, उनका सपोर्ट पूरा है, उनकी वजह से बहुत सारा इंदौर अच्छा हुआ है और होता रहेगा। ये लोगों का कहना है कि ताई अगर नहीं है फिर भी हम लोग उनका जो काम किया है गया है, उन्होंने जो अपने कार्यकाल में काम किया है, उसी मुद्दे पर हम लोग वोट करेंगे।